बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये बिल्कुल 5 की तरह है। इसमें ये है कि दरमियानी फासला 6.2 है तो 6.2 की लाइन लगा दी। अब एक दायरे का रेडियस जो है वो 1.3 है और एक का 2.6 है। तो पहले मैं 2.6 खोल लेता हूँ। ये देखें तो ये आपका एक सर्कल लग गया इसके ऊपर, सॉरी। अगर कंपास ज़रा हिल जाए ना तो बाद साथ वहाँ लाना मुश्किल होता है। तो जब आप दायरा लगाएं तो हल्का से इसे हल्का सा दबा दिया करें ताकि आपका वो उस जगह पे एक निशान बन जाए, ताकि अगर आपको कंपास उठानी पड़े दोबारा रखनी पड़े तो आपकी एग्जैक्टली इसी जगह आ जाए। अच्छा, दूसरा 1.3 है। कंपास का 1.3 खोल के आपने ये सर्कल लगा दिया। अब 1.3 और 2.6, अब आपका जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान 6.2 सेंटीमीटर का, उसको आपने तकसीम करना है किस रेशो में, जो कि 2.6 और 1.3 के दरमियान है। ठीक है, तो ये तकरीबन मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन ये देखें कि ये 2.6 का डबल है ना। तो अगर 2.6 इधर से हम मेजर करना शुरू करेंगे तो इसके लिए 2.6 ओवर 2.6 प्लस 1.3 ये आएगा ना, और इसको आपने 6.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2.6 ओवर 9 और ये 3.9 आएगा इंटू 6.2, तो ये तकरीबन यूं समझें कि 2/3 के करीब आ गया इंटू 6.2। तो 2/3 का क्या मतलब है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 67%। ठीक है, तो 6.2 का 67% क्या होगा, 67% इसका अप्रॉक्सीमेटली, मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। तो 6.2 सेंटीमीटर इंटू 0.67 अप्रॉक्सीमेटली 4.15 सेंटीमीटर, 4.2 लगा लें। तो मैंने कंपास खोली, इतनी ही कंपास खोलने की जरूरत नहीं, बल्कि आपने सीधा पॉइंट ही लगाना है। सो एम सी पॉइंट, सॉरी। तो ये आपने वो पॉइंट ले लिया अप्रॉक्सीमेटली। अब आपने इसको सी पॉइंट बुक में अमूमन लेबल करते हैं, मैं सारे लेबल कर देता हूँ। अब सी और बी की आपने ना तसनीफ करनी है। ठीक है, अब आपने इसमें से लाइन लगा के थी पॉइंट एम निकाल लिया। अब एम को सेंटर बना के सर्कल लगा दें सी तक खोल के। अब इस सी पॉइंट से जो सर्कल गुजर रहा है, इसने पुराने वाले सर्कल को यहां टच किया ना, इसमें से और इसमें से गुजरता हुआ खत खींच दें। तो आपका एक टेंजेंट बन गया। तो इस सी पॉइंट और इस सर्कल जो बनाया था आपने, उसने जो ओरिजिनल सर्कल को जिसका सेंटर बी है, इस पॉइंट पे टच किया था। तो इन दोनों को मिला के आई लाइन को एक्सटेंड करें तो उसने बड़े सर्कल को यहाँ पे काट दिया। इनके कोई नाम दे दें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का।
तो बाद में आपने मेजरमेंट्स लेनी है इसी तरह, सॉरी आपको इधर भी लेबल करना चाहिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहाँ जहाँ वो टच कर रहे हैं, तो इनके दरमियान आप मेजरमेंट ले लें। तो इसके साथ ही आपका सवाल नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।